लोग जो जा रहे हैं ना वो जगह थोड़ा बहुत सात धर चौक। अच्छा यहाँ से हमें राइट लेना है, नाम है बचेली। Hey guys, welcome back my YouTube channel Vlogs Roll पे फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं दंतेवाड़ा से बचेली जाने वाला हूँ, तो एक राइड रहेगा बचेली तक का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने अभी चाय नाश्ता किया हुआ है। दंतेवाड़ा का ये फेमस जगह है, गुप्ता जी करके है। आगे साइड में एक हॉस्पिटल है, वो भी मैं आप लोगों को कभी दिखला दूंगा, क्योंकि अभी एक दो दिन और दंतेवाड़ा में अपने को आना है। चलो हो डॉक्टर अंबेडकर पार्क, लडीला सीधा है कटेक कल्याण, जो भाई जा रहा है वहाँ से रोड गई हुई है कटेक कल्याण। SBI का बैंक है इस साइड, तो SBI का बैंक आपको हर जगह मिलते ही रहेंगे। यहाँ भी SP का पेट्रोल पंप है बट चालू नहीं है। जेल दंतेवाड़ा, अच्छा ये जेल है। सुकमा 77 किलोमीटर, इस साइड में जेल है। दंतेवाड़ा में पढ़े लिखे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, सर्विस वाले लोग भी काफ़ी मिलेंगे आपको यहाँ पे। इधर क्या हो गया भाई, इतना भीड़ भाड़ लग रहा है। लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं ना वो जगह थोड़ा बहुत नक्सलियों में आता है, कितना आता है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भाई बतला रहे थे कि थोड़ा बहुत आता है करके। यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है गाड़ियों का, DAV स्कूल। यहाँ की रोड थोड़ी सी बेकार है, उतना अच्छा नहीं है। कन्या शिक्षा परिषद, एक बस आ रही तेज रफ्तार से। हमें भी निकल जाने दो, काफ़ी दूर जाना है अभी फ़िलहाल हमें। गांव वाले लोग सब्जी भाजी रोड किनारे लगाए हुए हैं, ये सेल्फी ताड़ी ये सब बेचते हैं। नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा, कल हो जाता है घने घने जंगल। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी अगर बाइक कार ख़राब होता है तो यहाँ पर आपको मैकेनिक नहीं मिलने वाले हैं। तो कभी भी प्लानिंग करते हैं आप आने का, तो अपनी बाइक कार को अच्छे से सर्विस करा कर ही लेके आए, ताकि बीच सड़क पर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साइड में घने घने पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, पेड़ पौधे काफ़ी घने घने करके। अब यहाँ पे एक बोर्ड नज़र आ रहा है, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं दंतेवाड़ा के आगे कम से कम 80 से 70 किलोमीटर जाने वाला हूँ। सफ़र कैसा रहेगा वो तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहोगे तो पता चलेगा। बाकी भाई साहब इस साइड काफ़ी घने घने जंगल है, थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि जब न्यूज़ वगैरह में आप जो ये सब चीज़ें के बारे में सुनते हो थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि न्यूज़ वाले लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ये चीज़ पे आप गौर करिएगा, जितना होता नहीं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बतलाते हैं। भाई बताया था कि एक गेट मिलेगा जहाँ पे सात धर करके कुछ नाम लिखा होगा, वहाँ से हमें राइट लेना करके, लेकिन अभी तक तो वो नज़र नहीं आया है। इस बोर्ड में देखते हैं, सुकमा है 68 किलोमीटर, बचेली, तो यहीं से देखना पड़ेगा कौन सा रोड जाता है। सात धर चौक, अच्छा यहाँ से हमें राइट लेना है, राम मेला सुकमा, तो यहाँ से हमें राइट लेना है। ऐसे भाई ने बतलाया था तो हमने राइट ले लिया है। अब ये जगह कौन सा है वो भाई से पूछ कर ही मैं आप लोगों को बतला पाऊँगा। यहाँ एक पुलिया मिलेगा बोले थे, पुलिया भी मिल रहा है हमें। सखनी नदी, तो ये है सखनी नदी, पानी है हल्का फुल्का। वाह क्या नेचर है भाई, यहाँ के खूबसूरत सा नेचर है।
दिल खुश कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सामने में पहाड़ है। छत्तीसगढ़ में इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा पहाड़ एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है। ट्रक वगैरह तो इस वाली रोड पे भी चलती है। कितने सारे ट्रक खड़े हैं यहाँ पर। ये क्या बना है भाई, ये सब बैठे हुए हैं बेचने के लिए। यहाँ पे इतने सारे पत्थर रखे हुए हैं, अब इसकी मान्यता क्या है नो आइडिया। बाकी आसपास में गांव है, गांव वाले से आप अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है हेल्प ले सकते हो। सर पे रखे हैं सामान लेके जा रहे हैं। दुर्ली, अब हमारा भाई किधर खड़ा है दिख ही नहीं रहा हमें। ये सर लेकिन काफ़ी तेज धूप है। हालांकि पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ है, उसके बावजूद भी काफ़ी तेज लग रही धूप। गर्मी के दिनों में यहाँ पे ताबड़तोड़ गर्मी लगता होगा। सावधान, आगे मोड़ है। जगह जगह पे इस तरह से बोर्ड दिया हुआ है, ये अच्छी बात है जिससे हम सावधान हो सकते हैं, आने वाले दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। रोड ऐसी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसी रोड मिलेगी आपको यहाँ पर। पर चेक पोस्ट है क्या है पता नहीं। नाश्ता वगैरह यहाँ पे मिल सकता है हल्का फुल्का, कुछ कुछ दुकानें लगे हुए हैं। गाइस हम काफ़ी आगे आ गए हैं, भाई को हम देख नहीं पाए बातचीत करने के चक्कर में। बातचीत आप लोगों से कर रहा था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन जो भी है चलो ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, पास में ही है। तो पीली मिट्टी का खदान है, देखो बस्तर में क्या क्या चीज़ नहीं है। पूरा फैक्ट्री डाल दिए हैं। दुर्ली का आश्रम है, बाल आश्रम, जहाँ पे बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर है हमारे बस्तरिया बाबू। अभी कहाँ चलना है वो बताओ। इधर चलना है। नाम क्या है? जारा लावा। तो भाई लोग मुझे इसलिए बुला लिया, यहाँ से झीरका वाटरफॉल है, झीरका गांव का नाम है। ये ट्रैकिंग वाला है तो अपन पहले धूर वाला कवर करते हैं, फुल पहाड़ देखते हैं, उसके बाद अगर वक्त रहा तो इसे हम देख पाएंगे। तो अभी हम फुल पहाड़ के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से लगभग वही 70 किलोमीटर के आसपास में है। टाइमिंग की बात करूँ तो 12:20 हो चुके हैं, हम लोग काफ़ी लेट हैं। द्विवेदी भाई काफ़ी लेट में उठे हैं। क्या बोलना चाहिए, समेली हरनपुर वाला रोड कटा है वही गांव से, वो पूरा उन्हीं लोग का डेंजर जोन है। अरे वाह, आईटीआई सही है भाई। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखलाते हुए आया था, फिर यहीं से मैं मोड़ लिया था मैं अपने बाइक, क्योंकि भाई लोग वहाँ पीछे रह गए थे। अब प्लानिंग ये बन गया है कि हमें फुल पहाड़ देखना है करके हम लोग फिर से यही वाली रोड को कंटिन्यू कर रहे हैं। वही चीज़ होता तो भाई मैं यहीं पे वेट कर लेता, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब काफ़ी घने घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत घने घने जंगल इस साइड। अच्छी बात है जैसी भी रोड बनी है भाई, कम से कम रोड तो बनी है। अब पहाड़ देखिए कितना बड़े बड़े पहाड़ है भाई साहब। नौजवान देखो यहाँ पे सब ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर जंगलों में हम लोग ड्यूटी करते हैं।
समझेगा कितना खतरनाक जगह है ये सब। हालांकि ये अब सेफ हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ पर इंसानों को गुजरना भी मना था। यहाँ से घाट प्रारंभ है, देखते हैं ये कितना बड़ा घाट है। ये भी एक खतरनाक घाट है, देखो ट्रक कैसे आ रही है, चल भी नहीं पा रहा है ट्रक ढंग से। यहाँ भी एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कभी भी इस रोड में आते हो तो थोड़ा सा सेफ चलाइएगा अपनी कार बाइक को, जिससे दूसरों को कोई दिक्कत ना हो। अंदर से बैठे हुए थे यहाँ पर, एक बस आ रही भाई तेज रफ्तार से। हमारी गाड़ी तो भाई सेकंड गियर में या फर्स्ट गियर में ही चल रही है। पर जानवर दिखते होंगे, काफी घने जंगल है ना इस साइड। घाट समाप्त। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, इस जगह का नाम है बचेली। बचेली का भी मैंने काफी नाम सुना हुआ है, आज देखने का मौका मिलने वाला है हमें। चलो पेट्रोल पंप तो दिया हुआ है भाई साहब, देखते हैं बचेली कितना बड़ा शहर है। ये बचेली है, बचेली भी आप देख लीजिए। यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट हैं, जैसे कि अपने हथखोज है, आपने नाम सुना होगा हथखोज, वैसे ही यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट हैं। चौड़ाकरण किया जा रहा है रोडों का। ये प्लांट जाने वाला रास्ता है।